फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद आपसे जरूर हम कर रहे हैं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर की। अब चलने वाले हैं आज क्लास में पशुओं के सारे रोग में कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप लोग तीन और तीन छः या सात रोग अपन पढ़ चुके हैं पहले, अब जीवाणु से अगले रोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते आ जाओ जल्दी से। अब पढ़ने वाले अगला रोग जिसका नाम है हेमरोहेजिक सेप्टिसेमिया। हेमरोहेजिक सेप्टिसेमिया हिंदी में कहा जाता है गलघोटू। क्या कहा जाता है भैया? गलघोटू कहा जाता है, गलघोटू। आप पढ़ेंगे इसके उपनाम कि गलघोटू के उपनाम क्या होते हैं। तो उपनाम होते हैं, एक तो गलघोटू है ही, दूसरा घुरका 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 घुड़का घोटूका घुड़का घुड़का घोटुक्का सिफिंग जबर। क्या कहा जाता है? सिफिंग जबर कहा जाता है। घुड़का घुड़का घोटुका सिफिंग जबर सारे के सारे किसके उपनाम है? हेमरोहेजिक सेप्टिसेमिया गलघोटू के उपनाम है। कौन कौन सा? घुड़का घुड़का और घोटुका किसके उपनाम है? सिफिंग जबर के उपनाम है। फिर चलते आगे की ओर। लंबी दूरी की यात्रा करने पर, लंबी दूरी की यात्रा करने पर यह रोग हो जाता है। ठीक है भाई, लंबी दूरी की यात्रा करने पर यह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? गलघोटू। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिफिंग जबर। क्या बोलते हैं? सिफिंग जबर कहा जाता है कि कोई जानवर लंबी दूरी की यात्रा करके आया है तो इसे क्या बोल देते हैं? सिफिंग जबर बोल देते हैं। फिर देखना भाई, गाय भैंस भेड़ और बकरी में यह रोग देखा जाता है। गाय भैंस भेड़ बकरी में यह रोग देखा जाता है। लंबी दूरी की यात्रा करने पर यह रोग हो जाता है। यहां तक का स्क्रीनशॉट मारो। फिर चलने वाले आगे की ओर, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो। नेक्स्ट, यह रोग एक से दो दिन में उत्पन्न हो जाता है। कितने भाई? एक से दो दिन में ही उत्पन्न हो जाता है। अब आपसे बोले कि रोग होता किस चीज से है, रोग किस चीज से होता है, तो क्या बताओगे? यह रोग जीवाणु से होता है। इतना तो बताइए ना, यह रोग जीवाणु से होता है। यहां तक तो समझ आ रहे भाई? यहां तक तो मैं बता दिया हल्का हल्का, ये जीवाणु से होता है। आप पूछे जीवाणु का नाम, तो सबसे पहले जीवाणु का नाम है पास्टरेरा मल्टोसीडा। भाई ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि थनेला रोग का, थनेला क्या है? गलघोटू रोग का रोग कारक है। वहां गाय भैंस और वो भेड़ थे ना, उनका लग नहीं दिया, सीधा दिया था पास्टरेरा मल्टोसीडा। तो कईयों को तो आया नहीं पास्टरेरा मल्टोसीडा, इसी का होता है। तो रोग कारक का नाम है पास्टरेरा मल्टोसीडा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट। क्यों वो बताता हूँ कैसे इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि है ना, ये रोग गाय में तो होता है पास्टरेरा बोविसेप्टिका से, बोविसेप्टिका से किसमें होता है? गाय में होता है। और भैंस की बात करें तो भैंस में होता है पास्टरेरा बुवेली सेप्टिका। क्या होता है भाई? पास्टरेरा बुवेली सेप्टिका से होता है इसमें भैंस के अंदर। और अगर भेड़ की बात कर लें तो उसमें देखो पास्टरेरा ओविस। ठीक है, ये तीन चार मैंने कीटाणु आपको बता दिया हूं मैं। कीटाणुओं के नाम याद कर लो, इन जीवाणुओं के नाम याद कर लो। ये जीवाणु है, जीवाणु का मेन जीवाणु तो है पास्टरेरा मल्टोसीडा है, लेकिन गायों में होता है
पास्टुरेला बोविसेप्टिका से, और भैंस में होता है पास्टुरेला बुवेलिसेप्टिका से, जबकि भेड़ में होता है पास्टुरेला ओविस से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पास्टुरेला बोविसेप्टिका, बुवेलिसेप्टिका और ओविस तो सबको पता है, लेकिन पास्टुरेला मल्टोसिडा सबको नहीं पता, इसे याद रखना। गलगोटू का एक और है पास्टुरेला मल्टोसिडा नाम का जीवाणु, इससे भी क्या होता है, यह रोग होता है, मात्र एक या दो दिन के अंदर यह रोग हो जाता है। मार्लो स्क्रीनशॉट पर आगे चले, ठीक है आगे देखो। सन 1875 के अंदर सर्वप्रथम यह रोग यूरोप में देखा गया। कहाँ पर? यूरोप में देखा गया। अब आपसे कोई बोल दे कि भैया सबसे पहले गलगोटू रोग का जीवाणु कहाँ देखा गया, तो क्या बताओगे कि यह सर्वप्रथम यूरोप में देखा गया। कब देखा गया? 1875 के अंदर। फिर 1878 के अंदर। कब? 1878 के अंदर डॉक्टर सर बोलिंगर, क्या नाम है, डॉक्टर या सर लगा दो, बोलिंगर तो सर्वप्रथम 1878 के अंदर डॉक्टर सर बोलिंगर ने इसके जीवाणु की खोज की। दो साल बाद में मालूम चल गया कि यह है हिमेरोइडिक सेप्टिसेम या गलगोट रोग का कारक है। किसने खोज की? डॉक्टर सर बोलिंगर ने खोज की। किस चीज की? अरे बोलिंगर ने किसकी की? पास्टुरेला मल्टोसिडा, इसकी खोज की कि इससे ये रोग होता है। कब? 1878 के अंदर। और रोग कहाँ देखा गया? यूरोप में देखा गया 1875 के अंदर। यहाँ तक याद रहेगा क्या? यहाँ तक याद रहेगा। फिर चलो आगे की ओर। अब क्या होता है, यह जीवाणु शरीर में प्रवेश कर विष, मतलब इंग्लिश बोले तो टॉक्सिन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? टॉक्सिन उत्पन्न करता है जिससे शरीर के अंदर टॉर्मियो रोग हो जाता है। क्या होता है भैया? टॉर्मियो रोग हो जाता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है, टॉक्सिन उत्पन्न करता है, जिससे शरीर में क्या हो जाता है? टॉर्मियो रोग हो जाता है। कौन सा रोग? टॉर्मियो रोग हो जाता है। किसके अंदर? थनेला, ये हिमेरोजिक सेप्टिसेमिया में। अब क्या होगा, जैसे ही जाएगा तो सबसे पहले ये गले पर अटैक करता है, गले पर आक्रमण करता है भाई। कहाँ पर? गले पर आक्रमण करता है। और क्या होगा भाई गले पर? भाई गले के नीचे वाला भाग ना, गलकम्बल जहाँ होता है, ये गलकम्बल जहाँ से जुड़ा होता है यहाँ, तो गले के नीचे वाले भाग में या गले के नीचे क्या जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आती है? गरम सूजन आ जाती है, सूजन आती है। कहाँ पर? गले के नीचे वाले भाग पर क्या आती है? सूजन आती है। पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब तुम जान जाओ, जब सांस लेने में दिक्कत हो तो तुम भी क्या करते हो? अपनी गर्दन को लंबी कर लेते हो। क्या करते हो? गर्दन को लंबी करते हो। अब जब वो थूक निकलता है, अपनी गर्दन को लंबी कर लेता है, जब थूक निकलता है ना, अंदर निकलता है या सांस लेता है, तब घुर घुर की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? घुर घुर की आवाज आती है, इसलिए से क्या बोल देते हैं? घुड़का। ऐसा पशु को ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो।
गला दबा दिया हो। अरे मानो ऐसे मेरा मतलब ये हुआ कि गला एकदम से घुट जाता है, यहाँ से गला घुट सा जाता है जैसे दबा दिया हो, यहाँ से पूरा अवरुद्ध जाता है, इसलिए इसको घोटू का कहा जाता है। तो गला रुक जाता है, जाम हो जाता है, यहाँ से जेम हो जाता है पूरा, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि गला दबा हुआ दिखा देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं घोटू का कहा जाता है। अरे 5 से 7 दिन में फिर क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं संभालोगे ना तो 5 से 7 दिन के अंदर क्या होती है, उसकी मृत्यु होती है। इसलिए आप लोग क्या करें, प्रत्येक वर्ष जानवर को NTHS का टीका लगाएं। किसका टीका? NTHS का टीका लगाएं। आप समझ गए होंगे NTHS की फॉर्म आगे होगी, हेमेरोहेजिक सेप्टिसेमिया। अब आपको आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट रोग के ऊपर। उसका नाम है इंटेरोटॉक्समिया। क्या नाम है? इंटेरोटॉक्समिया। हिंदी में बोले तो फड़किया रोग, फड़किया फड़किया। क्या नाम है भाई? इंटेरोटॉक्समिया। हिंदी के अंदर फड़किया रोग, फड़किया 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 फड़किया, है ना? थोड़ा सा फड़कियार मरगा बाद में, थोड़ा सा फड़कियार फिर मरगा, अब तो टाइम लगा हुआ है, थोड़ा सा फड़कलार फिर मर जाओला, ये हो जाओले कि भाई आलो अभी पानी पिलाया, अभी चारों खिलाया और अभी है मरगा, फड़क्यार फड़किया। देखो भाई, जुगाली करने वाले जानवरों में, इनमें जुगाली करने वाले जानवरों में, जानवरों में लेकिन सबसे ज्यादा किनमें? भेड़ और बकरी में। इनमें भैया भेड़ और बकरी में सबसे ज्यादा देखा जाता है। होता क्या है कि ये इसके रोग कारक है भाई, रोग कारक है जिनका नाम है जीवाणु। क्या नाम है? जीवाणु नाम है, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बेल्सिसाई। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम बेल्जिसाई, जिसकी प्रजातियां ए प्रजाति, बी प्रजाति, सी और प्रजाति डी, टाइप ए बी सी डी होता है, जिनमें से क्लोस्ट्रीडियम बेल्जिसाई प्रजाति डी सबसे खतरनाक प्रजाति होती है भाई। जब इस प्रजाति का शरीर पर आक्रमण होता है तो पशु बिना लक्षण प्रकट के ही मर जाता है। ये इतना खतरनाक रोग होता है कि एक साथ बड़ी संख्या में भेड़ और बकरियां मारी जाती है। शाम तक सारी भेड़ बकरियां सही रहती है, सुबह तक सारी मरी हुई दिखाई देती है, पूरी मर जाती है भाई, क्योंकि ये खतरनाक जीवाणु होता है बेल से टाइप डी प्रकार का। इसका स्क्रीनशॉट मार लो फिर आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट मार लो फिर आगे चलें, यहाँ तक पूरा हो गया होगा ठीक है। चलो भैया अब क्या होगा, जैसे ही ये जीवाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करते ही है ना पेट में तेज दर्द होगा। पेट में क्या होगा? तेज दर्द होगा, पशु के आफरा आ जाएगा। क्या आएगा? आफरा आएगा। पशु के आफरा आएगा, आफरा आएगा तो उसे सांस लेने में क्या होगी? तकलीफ होगी। अरे भाई आफरा आ जाएगा तो सांस लेने में क्या होगी? तकलीफ होगी। तो पशु के पेट में तेज दर्द होगा, आफरा आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। अब ऐसा तकलीफ होने वाली होगी तो वो अगले घुटनों के बल चलता है भाई, इंपॉर्टेंट लक्षण है, अगले अगले घुटनों के बल चलता है, मतलब पीछे के टांग तो सीधे और आगे वाले घुटने लगाकर वो चलना शुरू करे देता है। उसको सांस नहीं आता ना, जीभ बाहर निकाल लेता है। जीभ क्या करता है? बाहर निकाल लेता है ठीक है, जीभ बाहर निकाल लेता है। उसकी कमर है ना, कमर मतलब पेट समझ लो, ऊपर से धनुष के आकार की हो जाती है। कैसे? जैसे वो धनुष चलने वाले हैं ना, धनुष जानते होंगे, धनुष के आकार की हो जाती है, ऐसे ऐसे ना ऊपर से ऐसे पीठ, तो धनुष के आकार की हो जाती है। पूछेंगे वह कौन सा रोग है जिसके अंदर
हो जाती है जिसके अंदर कमर या पीठ धनुष के आकार की जाती है, तो वो कौन सा है? फड़किया रोग ही है। अगले घुटनों के बल चलता है। फिर क्या होता भाई, जब सांस वास नहीं आता, जब अंतिम समय आता है ना, तो खून के साथ में पतले दस्त होंगे, खून के साथ में पतले दस्त होंगे खून के साथ में। और प्रधान लक्षण और इम्पोर्टेंट लक्षण, इम्पोर्टेंट भाई इम्पोर्टेंट लगा लेना, और क्या होता है इम्पोर्टेंट में देखना भाई। और वह अपने पैरों को साइकिल की तरह चलाते हुए मर जाता है। अपने पैरों को ऐसे साइकिल की तरह चलाते हुए ना उल्टा पड़ जाता है, सांस लेता, तो साइकिल की तरह चलाते हुए वह ना वो मर जाता है। इसके बचाव के लिए, इसका बचाव उपचार एक ही है, मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक वर्ष जानवरों के क्या लगाए? एंटीईटी वैक्सीन का टीका लगाए। अब ये समझ गए होंगे एंटी इनकेरोटोक्समिया का क्या लगाए? टीका लगाए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। ठीक है भाई, लो भाई। तो फट क्या हो गया? अब देखो टिक फीवर, अब छोटे लोग हैं, टिक फीवर जिसे बोलते हैं चिचड़ी जबर, क्या बोलते हैं? चिचड़ी जबर। ठीक है, टिक फीवर चिचड़ी जबर, विशेष प्रकार के। अरे जल्दी जल्दी पढ़ लो, एग्जाम पास में ही है भाई, 8 तारीख डेट वाले बच्चे ध्यान दे, जल्दी से पढ़ ले, 8 तारीख को एग्जाम है, फिर सुपरवाइजर वाले की आ जाएगी, तो फास्ट पढ़ लो। विशेष प्रकार के प्रोटोजोवा परजीवी, विशेष प्रकार के प्रोटोजोवा परजीवी जिनका नाम है बेवेशिया बाईजेमिना। क्या नाम है? बेवेशिया बाईजेमिना। एक तो ये नाम है भाई बेवेशिया बाईजेमिना, और दूसरा नाम सुनो तो वो सुन लो भाई, जो दूसरा नाम और है बोवोफिलस, बोवोफिलस, बोवोफिलस माइक्रोप्लस, विशेष प्रकार। अरे चिचड़ियाँ होती है भाई, चिचड़ियाँ जानते होंगे, उनका ही नाम है बेवेश या बाईजेमिना और बोवोफिलस माइक्रोप्लस। इनसे ये रोग होता है, ये क्या करते हैं? ये शरीर की त्वचा पर चिपक जाते हैं, शरीर की त्वचा पर चिपक जाते हैं। ठीक है, अरे चिपक जाकर क्या करेंगे? चलो चिपक जाओ कोई बात नहीं, लेकिन फिर क्या करते हैं? खून चूसते हैं। क्या चूसते हैं? खून चूसते हैं। चलो ये भी कोई बात नहीं, खून चूसते हैं, लेकिन होता क्या है? खून चूस कर खून को पतला करते हैं, ये कहाँ का अन्याय भाई? अरे खून चूस ले चिपक गए, ये तो चलो यहाँ तक तो सबर है, लेकिन खून को पतला कर देते हैं भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पतला कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पतला करके वापस जानवर डाल देते हैं, पतला कर देते हैं, और उस पतले वाले खून को शरीर में छोड़ देते हैं वापस। अब ये लगातार, अगर लगातार ज़्यादा संख्या में पशु के शरीर पर है और लगे हुए हैं ना, तो ये क्या करेंगे? खून को इतना पतला कर देंगे कि वो उसका खून जो होता है ना, वो पशु के मूत्र के साथ बाहर आने लग जाता है, पशु के मूत्र के साथ बाहर आने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है। इसलिए इस रोग को रक्त मूत्र रोग कहा जाता है। कौन सा रोग? रक्त मूत्र रोग कहा जाता है। इसलिए आप क्या करो, समय समय पर ब्यूटोक्स दवाई का छिड़काव करो जानवर के ऊपर, इन चिचड़ियों को मारने के लिए, या फिर मेलाथियोन दवा का क्या कर दो? छिड़काव कर दो, आसपास के वनस्पति को जला दो, ताकि ये रोग उनके अंदर ना हो। कौन सा रोग? टिक फीवर का रोग। टिक फीवर का मतलब चिचड़ी जबर का रोग। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यह है मिल्क फीवर। कौन सा? मिल्क फीवर, इसे बोलते हैं दुग्ध जबर। क्या बोलते हैं? दुग्ध जबर बोलते हैं भाई। यह क्या होता है? अधिक दूध देने वाले जानवर में होता है, अधिक दूध देने वाले जानवर अधिक दूध देने वाले जानवर में होता है, और देसी गाय के बजाय विदेशी गायों में ज़्यादा होता है। किन क्यों होता है भाई? विदेशी गायों में ज़्यादा होता है,
देसी गायों के बजाय विदेशी गायों में ज्यादा होता है। दूसरी बात, सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः पशुओं की गाय भैंस की शिरा के अंदर है ना कैल्शियम के अगर लेवल की बात की जाए तो वो 9 से 11 mg प्रति 100 ml होता है भाई, है ना। 100 ml के अंदर 9 से 11 mg कैल्शियम का लेवल होता है। जब ये लेवल है 7 mg प्रति 100 ml आ जाता है, किसका लेवल है, कैल्शियम का लेवल, तो पशुओं में क्या हो जाता है, मिल्क प्योर हो जाता है, दुग्ध जबर हो जाता है। तो बोले किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से होता है। अब इसमें होगा क्या कि इसमें क्या होता है कि पशु का तापमान गिर जाता है, ये इसका प्रधान लक्षण है। पशु का तापमान कम हो जाता है, जरूर याद कर ले, वह रोग जिसके अंदर पशु का तापमान गिर जाता है वो कौन सा होता है, ये दुग्ध जबर होता है, ये याद रखना। और दूसरी बात, इसका जो प्रधान लक्षण होता है, अरे चारा वारा ये सब इसमें भी होता है, लेकिन जो प्रधान लक्षण है ना वो ये है कि वह अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ कर रख लेता है। वह अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ कर रख लेता है, किस रोग के अंदर, अरे किस रोग के अंदर, दुग्ध जबड़े मोड़ कर रख लेता है। ये प्रधान लक्षण है, एक तो तापमान का गिरना और एक गर्दन को पीछे की ओर मोड़ कर रख लेना। अब क्या करोगे आप लोग, अब उससे उठा भी नहीं जाता, दूध बंद कम हो जाता है उसका, है ना, क्योंकि कैल्शियम का लेवल पूरा ही गिर जाता है, हड्डियों में कटके आ जाती है, उसे खड़ा हुआ नहीं जाता। इसलिए आप क्या करें, अपने जानवर को 200 से 300 सीसी का कैल्शियम बोरोग्लुकनेट, कैल्शियम बोरोग्लुकनेट का अंतः सिरा इंजेक्शन लगा दें। कौन सा सिरा, अंतः सिरा इंजेक्शन लगा दें। 200 से 300 सीसी का कैल्शियम बोरोग्लुकनेट का अंतः सिरा इंजेक्शन, ये ना मिले ना तो दूसरा और है अपने पास में, उसका नाम है 200 से 300 सीसी का कैल्शियम बोरोग्लुकनेट। कौन सा, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लुकनेट का टीका लगा दें, का टीका कैल्शियम और मैग्नीशियम बोरोग्लुकनेट का टीका लगा दें, और उनके आहार में कैल्शियम की मात्रा दें, फिर उस जानवर में कभी क्या नहीं होगा, मात्रा दे मिल्क फीवर नहीं होगा। यह रोग क्या होता है, पशु के ब्याने के 5 से 7 दिन के अंदर हो जाता है भाई, पशु के ब्याने के 5 से 7 दिन में, ब्याने के 5 से 7 दिन में हो जाता है। कौन सा रोग, दुग्ध जबर वाला दिन में हो जाता है। इसके शोले फिर लास्ट रोग पढ़ेंगे भाई, इसके शोले फिर लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट रोग बचा है अपने पास में, लास्ट रोग पर अपने आवास में एक और बच गया, उसका नाम है मेंज एंड स्केबीज। कौन सा, मेंज एंड स्केबीज, इसे बोलते हैं खाज और खुजली। क्या बोलते हैं भाई, खाज और खुजली, जो दिन के बजाय रात में क्या होती है, ज्यादा होती है, जो ठंडी रातों में और भी ज्यादा होती है ना, गर्मियों को ज्यादा, सर्दियों में ज्यादा होती है, तो वो पढ़ने वाले हैं मेंज और स्केबीज, खाज और खुजली। देखिए, विशेष प्रकार के बरूथी होते हैं भैया, बरूथी मतलब कीटाणु, ये विशेष प्रकार के कीटाणु होते हैं बरूथी, जो क्या होते हैं, पशु की त्वचा के ऊपर चिपक जाते हैं, है ना, त्वचा के ऊपर चिपक जाते हैं, और वहां से क्या करते हैं, रक्त निकाल कर चूसते रहते हैं वहां पर, है ना, और है ना थोड़ी थोड़ी दूर में क्या करते हैं, वो छेद बनाते हैं, है ना, छेद बनाएंगे और रक्त निकाल लेंगे, जिससे पशु में क्या होगी, बेचैनी होगी, बेचैनी होगी तो पशु क्या करेगा, किसी दीवार के पास या किसी पेड़ से, है ना, खुजलाएगा, है ना, अपनी त्वचा को वहां से खुजलाएगा। जैसे खुजलाएगा तो यहाँ पर जो क्या है, त्वचा लाल हो जाएगी, लाल हो जाएगी तो यहाँ पर फिर मक्खियाँ बैठेगी, और मक्खियाँ बैठेगी यहाँ पे, एलर्जी मतलब जलन होने लग जाएगी, मक्खियाँ बैठेगी, कीड़े पड़ जाएंगे। अब ये खुजली क्या होती है, दिन के बजाय रात में ज़्यादा होती है, गर्मी के बजाय सर्दियों में ज़्यादा होती है, और दिन के मुकाबले ठंडी रात में और भी ज़्यादा होती है, क्या, खुजली। अब आपसे पूछेंगे कि
भाई ये कौन कौन से कीटाणु होते हैं जो खुजली पिलाते हैं। तो अपने पास में चार प्रकार के कीटाणु है। कितने प्रकार के? चार प्रकार के कीटाणु, चार प्रकार के कीटाणु है, जिनमें से एक का नाम है सरकोप्टिस, सरकोप्टिस कम्युनिस। क्या नाम है? सरकोप्टिस कम्युनिस। दूसरे का नाम है कोलियोप्टिस सिम्बोटाइटिस। क्या नाम है? कोलियोप्टिस सिम्बोटाइटिस। तीसरे का नाम है डेमोडेक्स फोनिकुलोरम। क्या नाम है? डेमोडेक्स फोनिकुलोरम। और चौथे का नाम है सरकोप्टिस स्क्रेबी। क्या नाम है? सरकोप्टिस स्क्रेबी। सरकोप्टिस कम्युनिस, कोलियोप्टिस सिम्बोटाइटिस, डेमोडेक्स फोनिकुलोरम और सरकोप्टिस स्क्रेबी। अब इनमें क्या होता है, जो तो चार नंबर पे दिख रहा है ना स्क्रेबी, ये खतरनाक होता है भाई। ये क्या होता है? ये पशु की त्वचा के अंदर ही चल जाता है। स्क्रेबी वाला ये खतरनाक है, पशु की त्वचा के अंदर चल जाता है। इससे अपन दवाई डालेंगे ना बाहर की ओर, तो इसका कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए ये खतरनाक प्रजाति होती है। इन सब के लिए क्या करो आप लोग, समय समय पर ब्यूटोक्स दवा का छिड़काव करो। इनका ब्यूटोक्स दवा का छिड़काव करो और जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ वहाँ पर सल्फर का पाउडर लगाओ। तेल में मिलाकर, मीठे तेल जो है ना सल्फर का पाउडर, वो लगा इसके लगाओ। और प्रत्येक सप्ताह में एक दो बार अपने जानवरों को क्या करें, अच्छी प्रकार से नहलाकर क्या कर दे, साफ सफाई कर दे। तो ये था आपका मेंज और टाइटिस। अब एक था आपका आफरा। तो मैंने आफरा एक वीडियो मेरा और आफरे वाला, जिसमें अपन लोग पशुओं के रोग पड़ रहे थे ना, उनमें एक मेरा पहले के वाले 11th का वीडियो है, उसके अंदर मैंने आफरा पढ़ा दिया पूरा। इसमें आफरे में मैं समझा दूँ कि हानिकारक चारा दारा पानी खाने से उनमें आफरा हो जाता है। मैंने कहा था कि बाइकोक फूल जाती है सबसे ज़्यादा, दाई भी फूलती है। और फिर अपन लोग क्या करते हैं, अलसी का तेल टार पर उसको पिलाकर ठीक करते हैं। और नहीं होता तब एक विशेष प्रकार का मैंने यंत्र वहाँ बता दिया था, जिसका नाम था ट्रोकार कैनुला। उसके माध्यम से बाइकोक में डालकर उसकी आफरे को उतारा जाता है। उसकी दवाइयाँ सारी मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर डाल दी है, या आगे मैं वीडियो डालूंगा उसमें आफरा, एक वीडियो में और आएगा आफरा, उसमें वहां इसका पूरा अध्ययन किया गया है। लास्ट हो गए संक्रामक गर्भपात। क्या नाम है? संक्रामक गर्भपात। ये क्या होता है भैया, कि गर्भकाल के दिन पूरे होने से पहले ही, गर्भकाल के दिन पूरे होने से पहले, पूरे होने से पहले गर्भ के अंदर क्या होता है, हानिकारक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और गर्भ जो होता है समय से पहले ही गिर जाता है। हानिकारक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गर्भ समय के पहले ही गिर जाता है। समय गर्भ गिर जाएगा तो गर्भनाल कहाँ रह जाएगी, गर्भनाल पेट में रह जाएगी। और ये वहाँ पर क्या काम करेगी, जहर का काम करेगी। और कुछ समय के बाद में अगर इसे नहीं निकाला गया तो उसकी पशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब आपसे पूछे कि ये होता किससे है, तो इसका नाम बताना, जीवाणु उससे होता है, इसका नाम है ब्रुसेला एवटीन। क्या नाम है? ब्रुसेला एवटीन है। अरे गर्भ से पहले ही वहां पर इनका अटैक होगा तो वो गर्भ तो गिर जाएगा, लेकिन गर्भनाल वहीं रह जाएगी जो जहर का काम करेगी। और जीवाणु का नाम है ब्रुसेला एवटीन। इनके नियंत्रण के लिए है ना, ब्रुसेला एवटीन हो जाए ना, तो इनके नियंत्रण के लिए एंटी बीटा स्टिरोल, एंटी बीटा स्टिरोल का टिक्का लगा दे। ठीक है भाई, ये आपके बेटिस्ट्रोल का लगा दे ना, बेटिस्ट्रोल का टिक्का लगा दे, ये आपके सारे रोग में कंप्लीट करा दिया हूँ भाई।
जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, कीटाणुओं से होने वाले सारे पढ़ा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे औषधियाँ और औषधियों के प्रकार। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।